हेल्पेस्ट के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत। कांग्रेस सेवा दल के तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर हमीरपुर पहुंचे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, प्रदेश की जनता बेहाल है और मुख्यमंत्री हवाई। उन्होंने कहा पिछले दो सालों में देश शिखर की ओर नहीं बल्कि सिफर की ओर जा रहा है। देखें उन्हें उनके भाषण के अनकट वीडियो हिलकेस पर। जवान संभाल के बात करें कांग्रेस। जवान संभाल के बात करें। ऐसा है कि दिल्ली से मुख्यमंत्री क्या कोई गोल्ड मेडल लेके आए हैं? क्या कोई उनको प्रशस्ति पत्र मिला है कोई वहां से? सारी कैबिनेट लेके वहां बैठे हुए थे और 11 दिन प्रदेश से बाहर रहे, पूरा प्रदेश 11 दिन लवारिस रहा और यहाँ पे आके जो है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो कोई चैंपियन बन के वहाँ से लौटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है अपना काम प्रदेश में कर रही है। भाषा अगर मुख्यमंत्री अहंकार की भाषा बोलेंगे तो जवाब मिलेगा मिलेगा। मुख्यमंत्री जिस भाषा शैली में इस समय बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो सभ्य भाषा नहीं है। मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो धमकाऊ तरीके से बात कर रहे हैं, वो जिस शैली में बात कर रहे हैं। हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि आ जाओ ग्राउंड में, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो है प्रदेश का जो है दो साल में ढाई साल में पूरी तरह भट्ठा बिठा दिया है। आपने प्रदेश में क्या किया है? हम आपको कह रहे हैं कि हिमाचल बेचने के लिए नहीं है, हम हिमाचल की बिक्री नहीं होने देंगे। हिमाचल फॉर सेल, हिमाचल की आप नदियां बेच रहे हैं, आप हिमाचल के पहाड़ बेच रहे हैं, हिमाचल की जमीनें बेच रहे हैं, हिमाचल के जंगल बेच रहे हैं। और तो और इस प्रदेश में हालत ये हो गई कि इन्होंने बिजली के खंभे तक बेच दिए। 25,000 खंभा बिजली का जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको भी 700 रुपए में रिलायंस को बेच दिया। आप बिजली के खंभे तक बेच रहे हैं, जमीनें आप बेच रहे हैं। हम उस पार्टी से हैं जो डॉक्टर परमार की पार्टी है, डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल निर्माता की पार्टी है, जिसने ये कानून बनाया हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में धारा 118 लगाई कि हिमाचल की जमीनें बिकने नहीं देंगे। और आज की सरकार जो है ये सोच रही है कि हम सब कुछ बेच दें। हिमाचल के टूरिज्म के 16 होटल आप बेच रहे थे, ये तो हम बीच में आ गए। और फिर आप दिल्ली की कुंडली की जमीन आप बेच रहे थे, ये तो हमने बात उठा दी। आखिर जो है आपको क्या लाइसेंस मिल गया हिमाचल को बेचने का? और ये मसला जो है हिमाचल के अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। हिमाचल बना तो कांग्रेस की बदौलत बना, हिमाचल को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बदौलत मिला। आप तो जो है स्टेटहुड मारो ठुट कहने वाले लोग हैं जो हिमाचल के को जो है एक अलग राज्य के तौर पे देखना नहीं चाहते थे, आज हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मसले उठा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, हम आपको कह रहे हैं कि आपने हिमाचल को कर्जे में डुबो दिया, आपने जो है हिमाचल प्रदेश का कानून व्यवस्था खराब हो गई, हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार हो गए, हिमाचल में भर्तियों में जो है बेईमानी हो गई, हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, 750 जो है रेप हो गए दो साल में, 250 जो है यहाँ पे कत्ल हो गए। ये जब हम सारी बातें उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि विपक्ष जो है उनके इशारों पे नाचे और उनकी कठपुतली बन के नाचे। और अगर वो मैं उनको बिल्कुल आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, धीमी आवाज में बात करें, सही सलीके से बात करें। और हमें भी आता है, मैं भी यहाँ पे 15-18-20 साल से एमएलए चल रहा हूँ लगातार, तो इसलिए आंख दिखाने की कोशिश मत करें। कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी, मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी। अगर गैस महंगी होती है तो क्या बात नहीं करेंगे? अगर यहाँ पे सीमेंट की बोरी आप बताएं 100 रुपये महंगी हो गई, सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, 100 रुपये सीमेंट की बोरी महंगी हो जाए क्या बात नहीं उठाएंगे हम? आप यहाँ प्रदेश में खनन हो रहा है, मुख्यमंत्री मौनी बाबा बने हुए हैं, किसी को नहीं बोल रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो है ये इतने टिप्पर जो है लाद के जा रहे हैं, 70-70 टन जो है ट्रक लेके जा रहे हैं,
इतनी लूट जो है सरकारी संपदा की हो रही है और जिस ढंग से यहाँ पे नशा फैल रहा है, 8.5 किलो तो चिट्टा पकड़ा गया है हिमाचल प्रदेश में। सारे दूर दराज रामपुर से लेके रोडू तक जो है, अगर कुल्लू शिमला तक, हर जगह जो है नशा फैल गया है। जब हम बात उठाते हैं तो कहते हैं आपके समय में क्या भाई, मान लिया हम ठीक नहीं थे, हमें तो लोगों ने उतार दिया, हम तो आज राज में नहीं है, 2 साल में आपने क्या किया। इसलिए जो है ये मसले उठेंगे और उठते रहेंगे और बेहतर रहेगा। मैंने चीफ मिनिस्टर का क्लिप सुना है, मैं भी उनको ये कह देना चाहता हूँ कि जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये मत सोचना कि हम झुकने वाले या डरने वाले लोग हैं। अगर आप जो जांच खोलना चाहते हैं खोलें, जिसको जेल में ठोकना चाहते हैं ठोकें, आप में दम है। मुकेश अग्निहोत्री खड़ा है, इस चौक से ले जाएं आके, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ी जाएगी और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। नहीं, आप बताएं, आपके अपना जिला हमीरपुर का, मैं जो यहाँ पे हवाई अड्डा बनना था कहाँ गया, जाहू कहा हवाई अड्डा, यहाँ पे आपके ऊना से हमीरपुर रेल लाइन आनी थी, कहाँ गई ऊना से हमीरपुर की रेल लाइन। आप ये चीजें जो है आपके जिले की बातें, आपके जिले के जो मसले थे वो सारे जो है ठप हो गए। आपने साफ इनकार कर दिया कि ऊना से हमीरपुर रेल लाइन को पैसा नहीं दिया जाएगा। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये एक हेली मुख्यमंत्री हैं, ये हेली जिसको कहते हैं जहाजी मुख्यमंत्री, इनके ख्वाब में हर समय जहाज ही चले हुए हैं, हेलीकॉप्टर ही चले हुए हैं। आप जो है, आपको 15वें वित्त आयोग ने 2000 करोड़ रुपया दे दिया मंडी के हवाई अड्डे का 2000 करोड़ मिल गया। आप गगल की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, आपको 500 करोड़ रुपया मिल गया, क्या आपके पास पैसा है? कौन सा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में बन रहा है? आप कभी कह रहे हैं कि मैं हेलीपैड बनाऊंगा, कभी कह रहे हैं मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा, और कभी आप हवा में उड़ने की बात करते हैं। आपने कभी नीचे सड़कें देखी हिमाचल प्रदेश की, सड़कों का क्या हाल है? तो इसलिए जो है हवाई बातें करना हर समय और धमकाऊ किस्म की बात करना, मुकेश अग्निहोत्री ना डरा है। कांग्रेस विधायक दल जो है पूरी ताकत से जो है आपकी चुनौती स्वीकार करता है। और अगर आप कहते हैं कि आपने विकास किया है तो आप बताएं, आप खुली, हम आपको खुली बहस देते हैं कि आप बताएं कि आपने हिमाचल प्रदेश का क्या विकास किया। आप शिखर पर हिमाचल की बात करते हैं जबकि हमें ये डर पैदा हो गया है कि जो वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश बनाया, जो डॉक्टर परमार ने हिमाचल प्रदेश बनाया, और उसको शिखर पर ले जाने के नारे देने के बाद आपने जो है उसको सिफर पर पहुंचाने की तरफ चल पड़े। हमीरपुर की 4 लाइन ठप हो गई। आप बताएं हमीरपुर का कोई मुद्दा, निचले इलाके से भेदभाव कर रहे हैं, इलाके से भेदभाव हो रहा है। आप बताएं शर्तकालीन प्रवास जो कि 15-20-25 दिन चलता था, आज 3 दिन में सिमट गया। मुख्यमंत्री 3 दिन में आके चले गए। जोगिंदर नगर फार्मेसी के जो बच्चे थे उनके साथ क्या किस ढंग का सलूक हुआ, और वहाँ पे हर जगह जो है पुलिस के साय में, तो आप टूर कर रहे हैं, पुलिस के साय में टूर हो रहा है चीफ मिनिस्टर का। आपने देखा मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकेश अग्निहोत्री ने किस तरह से अपने मन का गुबार निकाला। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि विपक्ष अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करे, अन्यथा उन्हें चीजों को सुधारना आता है। देखते रहें हिलक्वेस्ट। धन्यवाद।